अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ड्रमस्टिक सांभर। चलिए अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट हमें एक छोटा सा बर्तन लेंगे, उसमें पानी और नमक और ड्रमस्टिक ऐड करके 75% तक अच्छे से हमें कुक कर लेना चाहिए। प्रेशर कुकर के अंदर अब हमें ऑयल ऐड करेंगे। मैं इधर एक कप का ऑयल यूज कर रही हूँ। ऑयल गरम होने के बाद हम अब जीरा ऐड करेंगे। उसके बाद हमें इसमें ऑनियन ऐड करना है। मैं यहाँ दो ऑनियन लेके हूँ। इसे अच्छे से नरम होने तक फ्राई कर लेना चाहिए हमें। ऑनियन नरम हो चुका है, उसके साथ में हमें करी लीव्स ऐड करेंगे। अब हम ऐड करेंगे एक चम्मच रेड चिली पाउडर और एक चम्मच धनिया पाउडर और एक आधी चम्मच हल्दी। उसके साथ ही साथ हमें सांभर पाउडर ऐड करेंगे। आप कोई भी सांभर पाउडर यूज कर सकता है, घर में बने हुआ सांभर पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं। जिसके पास घर का सांभर पाउडर नहीं है, उन लोगों ने बाहर से सांभर पाउडर यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका हिसाब का नमक ऐड कर लीजिए। उसके बाद में मैं इधर 1 कप ऑफ मसूर की दाल ली हूँ। आप कौन सी भी दाल यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में मसूर की दाल यूज़ करने से आपका दाल में सांभर में बहुत अच्छी से टेस्ट आएगा। हम अबे ये दाल और पूरे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना चाहिए ताकि सब अच्छा तरह मिल जाना है। उसके साथ ही साथ हमें टमाटो ऐड करेंगे। मैं इधर 2 अच्छी चॉप की हुई टमाटो ऐड कर रही हूँ। इसी को भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमें इसमें वाटर ऐड कर लेंगे। आपको जितनी पानी चाहिए उतना आप ऐड कर सकते हैं। मैं इधर 2 ग्लास का पानी ऐड कर रही हूँ। सब चीज को अच्छे से अब हमें मिक्स कर लेंगे एक बार। अब हमें प्रेशर कुकर का लिड बंद कर लेंगे। हम इसे 3 सीटी तक अच्छे से कुक कर लेना चाहिए। अब हमें इसमें 3 विजिल आने तक वेट करना चाहिए। चलिए हमें 3 विजिल के बाद मिलते हैं।
हमारा प्रेशर कुकर के अंदर से 3 विजिल आके कंप्लीट हो गया है, उसका प्रेशर भी अच्छे से निकल चुके हैं। उसका प्रेशर निकलने के बाद ही हमें कुकर का लिड ओपन करेंगे। देखिए हमारा सांभर रेडी हो चुके हैं। यहाँ हमारा ड्रम स्टिक अच्छे से 75% तक पक चुका है। अच्छी तरह से इसे मैं 75% तक कुक कर चुकी हूँ। इसे हमें सांभर के अंदर ऐड कर लेना है। इसे अलग से पकाने से आपको खाने में बहुत ही अच्छे से टेस्ट मिलेगा। जो हमें 75% कुक करके रखे थे ड्रमस्टिक, अब हमें सांभर के अंदर ऐड करेंगे। इसे ऐड करने के बाद हमें 5 मिनट्स तक अच्छे से इसे उबालने तक कुक कर लेना है, ताकि ड्रमस्टिक और ये मसाला सभी अच्छे से मिल जाना है। इसीलिए हमें 5 मिनट्स तक अच्छे से कुक कर लेना है। हमारी सांभर अभी रेडी हो चुका है। इसे हमें राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। आप भी बनाइए, बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है, बहुत जल्दी आसानी से हो जाएगा।